नरेंद्र मोदी ने आज यानी 13 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज यानी MV गंगा विलास और वाराणसी में टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद रहे। हम सब इस बात को जानते हैं कि एक नए पर्यटन की शुरुआत है, इसलिए 3 दिनों से MV गंगा विलास से आए हुए यात्रियों ने काशी और उसके आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण किया। एक एक बात को लेकर के बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ जानने की एक उत्सुकता थी और काशी विश्वनाथ धाम का कल का कार्यक्रम जो इस सबसे बड़े रिवर क्रूज से जुड़े हुए यात्रियों के स्वागत सम्मान के लिए कल आयोजित किया गया था अपने आप में एक ऐतिहासिक रहा है। आपको बता दें कि MV गंगा विलास 51 दिनों में भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से होकर 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इसने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू की थी और बांग्लादेश होते हुए ये यात्रा असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। 3 डेक वाला जहाज 62 मीटर चौड़ा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को जोड़ने के अलावा जिसमें ब्रह्मपुत्र पर गंगा और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 शामिल है, क्रूज 27 नदी प्रणालियों को पार करेगा। इसमें तमाम लग्जरी सुविधाओं के साथ 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 28 स्वीट हैं। यूपी पर्यटन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक स्वीट्स में सुखदायक अंदरूनी भाग है जो फ्रेंच बालकनी, LED टीवी, तिजोरियां, स्मोक डिटेक्टर और कन्वर्टेबल बेड जैसी कई सहूलियतों से सुसज्जित है। बहुत 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 ही अच्छा अनुभव रहा, लोगों ने एंजॉय किया, लोगों ने बनारस की जनता को देखा, सरकार के पूरे अरेंजमेंट्स देखे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुश। और जो नज़ारा यहाँ है खुशी का, हैप्पीनेस का, वो टूरिस्ट भी देख रहे हैं और टूरिस्ट यहाँ घूम भी रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चलने के तैयार हैं, हमारे मेहमान हैं, जहाज तैयार है, सब चीज़ तैयार है। कोई स्पेसिफाई चीज क्या पसंद आया लोगों को यहाँ पे? खान पान नहीं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, यहाँ की अनुभूति जो धार्मिक है, वो सब चीज़ें सब पसंद आई और सब चीज़ों से लोग अफेक्ट हुए और उसको सहारा है, उसे सीखा है। आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? ये हमारे लिए तो है ही है, बट हमारे हमारे हिंदुस्तान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि हमने रिवर क्रूज टूरिज्म को हम ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो कि दुनिया में किसी ने अभी तक किया नहीं। क्रूज शिप में मुख्य डेक पर एक 40 सीटर रेस्तरां, एक स्पा और एक सन डेक भी शामिल है। ऊपरी डेक में एक बार है। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदियों, घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों समेत 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ 51 दिनों की क्रूज की योजना बनाई गई है। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।